नमस्कार, आप सभी का डिवाइन नेचर क्योर में स्वागत है। मैं प्राकृतिक चिकित्सक बी के लोकेश। आज हम चर्चा करेंगे माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन एक बहुत ही भयंकर रोग है। जिस रोगी को सिर में दर्द होता है उसी को ही पता चलता है कि कितना भयंकर दर्द होता है। तो आधे सिर में भी दर्द हो जाता है, कईयों को आँख से शुरू होता है, पूरे सिर में होता है, या कईयों को पूरे सिर में भी हो जाता है। पहले तो जानेंगे कि वात रोग है ये। वायु जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब उसे ये होता है। तो मुख्य रूप से ये बच्चों में, महिलाओं में ये रोग पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तंग कर रखा है सभी को। तो और इस रोग का मुख्य कारण है कि गलत खानपान, गलत दिनचर्या, और या फिर कई बार सिर में चोट लग जाने की वजह से, पूरी नींद ना होने की वजह से, कई बार धूप में जब निकलते हैं धूप ज़्यादा लगने की वजह से, कान में बाइक स्कूटी पर जाता है कोई तो कान में वायु घुस जाती है, उसकी वजह से भी ये सिर में दर्द हो जाता है। कई बार लेडीज़ को अक्सर ये जब पीरियड्स की शुरुआत होती है उससे कुछ दिन पहले भी ये शुरू हो जाता है। ये तो मुख्य कारण है माइग्रेन के। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह योग से, प्राकृतिक चिकित्सा और खानपान में परिवर्तन करके हम माइग्रेन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, माइग्रेन को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में दो टूल्स हैं, जो कि सबसे पहला है कुंजल क्रिया। 3 से 4 लीटर पानी पी करके हम फिर मुंह में 2 हाथ डाल के, 1 हाथ ऐसे पेट पे रख के पानी को पूरा बाहर निकालते हैं। तो पानी जैसे ही बाहर निकलता है, शरीर पेट में अमाशय, गले से लेके अमाशय तक की पूरी सफाई करता है, और जितना भी एसिड बना हुआ आता है पूरे एसिड को ये बाहर कर देता है। दूसरा है ये रबड़ नेती। ये रबड़ नेती भी माइग्रेन में, कितना भी पुराने से पुराना माइग्रेन हो, उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। एलोपैथ में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो माइग्रेन को ठीक कर सके, लेकिन प्राकृतिक उपचार से अगर आप करते हैं, किसी अच्छे चिकित्सक की देखरेख में सीखते हैं, तो ये माइग्रेन का कुछ ही दिनों में, 15 से 20 दिनों में ही बड़ा ज़बरदस्त आराम मिलता है। इसको क्या करते हैं, इधर से नाक, नाक से डालते हैं पूरा धीरे धीरे, नाइस ऑयल अप्लाई करके, और फिर धीरे धीरे गले में आ जाती है। गले में आने के बाद इसको ऐसे ऊपर नीचे हम रब करते हैं, और उसके करने से क्या होगा, ये जड़ से ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा है ये जल नेती का लोटा। इसमें पहले रबड़ नेती करते हैं, उसके बाद हम जल नेती करते हैं। इसको एक लोटे में गुनगुना थोड़ा नमक का पानी डाल के हम धीरे धीरे इसको ऐसे करके एक नाक में ठुटी को लगाते हैं, और फिर गले से, मुंह से सांस लेते हैं, और धीरे धीरे पानी जो है फिर दूसरी तरफ से निकलने लग जाता है। ये भी एक बहुत बढ़िया है, ये भी माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद जल लेती के बाद जो है विशेष हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, ताकि ये जो भी नाक में बचा हुआ पानी है अनावश्यक वो बाहर निकल जाए। तो ये तो है प्राकृतिक उपचार, कि हम प्राकृतिक उपचार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब सिर में दर्द हो जाता है तब क्या करे पेशेंट, जब जो है या तो एक तौलिया लेके, तौलिए को पानी में निचोड़ के, या तो फ्रीजर में रख दे उसको, अगर गर्मी का टाइम है तो फ्रीजर में रखने से वो ठंडा हो जाएगा, और फिर उसको 2-3 बार हम सिर पे रखते हैं तो बड़ा ही उसे आराम मिलता है। अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में गर्म पानी में, थोड़े से गर्म पानी में तौलिए को निचोड़ें और फिर उसको सिर के ऊपर रखते हैं, तो उसे भी बड़ा लाभ मिलता है। घरेलू उपचार की अगर बात हम करें तो नाक में गाय का देसी, शुद्ध देसी गाय का घी 3 से 4 बूंद अगर हम सुबह शाम दोनों टाइम डालेंगे, तो कुछ ही दिनों में ही जो दर्द होता था वो उसमें बड़ी राहत मिलेगी। और दूसरा, आयुर्वेद में एक ब्राह्मी बूटी चूर्ण आता है, वो विशेष ही सिर की जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं हमारी बार बार सिर में दर्द होने की वजह से, तो जब
हम ब्राह्मी चूर्ण को या ब्राह्मी के नाम से टेबलेट भी आती है या मेधावटी टेबलेट आती है, 1 से 2 गोली सुबह से हम अगर लेते हैं तो उससे भी हम कुछ ही दिनों में ही इस दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए अब इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।